और मैं परमेश्वर का एक बार फिर दिल से धन्यवाद करती हूँ कलीसिया, क्योंकि सच में वचन हमें कहता है, वचन हमें सिखाता है, जैसे पत्रस की बुक में लिखा है कि हम नॉर्मल नहीं है, हम निज प्रॉपर्टी है परमेश्वर की। इसीलिए हम इस जगह पर आज बैठे हैं, क्योंकि सचमुच हम तो इस योग नहीं थे, है ना। हम कुछ भी नहीं जानते, हम नॉर्मल इंसान थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें चुनकर अपनी खास प्रजा बनाया है, अपने परिवार में शामिल किया है। तो ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए हमें भी नॉर्मल नहीं चलना है। जैसे हमने पिछले दिनों में जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया था कि हमें परमेश्वर की हजूरी में पहले पहुंचकर उसे आदर देना है, है ना। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये टाइम है, थोड़ा टाइम है, जब अभी वर्शिप हो रही है, जस्ट शायद अभी प्रेयर्स, कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है, लेकिन नहीं, सबने सोचना कि हमने सबने फर्स्ट आना है। ये नहीं सोचना है कि कौन आएगा, लेकिन हमें अपने जीवन से करके दिखाना है, क्योंकि हम परमेश्वर से बड़े कामों को चाहते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, है ना। हमारे जीवन में कुछ काम जो नहीं हो रहे, हम चाहते हैं कि वे हो, लेकिन हम उसे क्या पे कर रहे हैं ना। तो हमें फेथफुली परमेश्वर के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले परमेश्वर ने वो वर्ड दिया तो हमने वो पूरा किया, लेकिन आगे भी हमें क्या करना है, उस चाल को जिसको हमने पकड़ा था उसे धीमा नहीं करना, उसे छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है। क्योंकि जब हम अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो सच में परमेश्वर भी हमें पूछ नहीं क्या ठहराएगा, सिर ठहराएगा। तो हम पूछ ठहराने के लिए नहीं, पीछे रहने के लिए नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों को ब्लेस करना चाहता है, हमारी लाइफ का हर एक काम करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके पति की प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों की प्रॉब्लम हो, जहाँ फैमिली में कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं, परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों से निकालना चाहता है। लेकिन हम पे क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने आज भी गवाहियों को सुना, तो वो गवाहियाँ कैसे बनती हैं, कैसे लोग इस जगह खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन परमेश्वर को दिया, उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर को दिया। और अगर आप भी ऐसा चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमें चंगा करे, हमारे जीवन को अच्छा करे, इन बीमारियों को, इन हालातों को हमारे जीवन से निकाले, तो हमें भी परमेश्वर के लिए आगे आना है। अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो हमें भी करना है ना। हम अपनी ब्लेसिंग, अपने छुटकारे को, अपनी बीमारियों से अगर बाहर आना चाहते तो हमें उस तरीके परमेश्वर के साथ चलना है जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। कई बार इंसान टेढ़ी चाल, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन्स, है ना, कभी विश्वास इतना, कभी इतना चलता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेम है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए ठहराया है, तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि उसने अगर हमें चुना है, अगर उसने हमें बुलाया है, तो हमें उस योग चाल चलनी है। ऐसा नहीं कि पिछले दिनों हमने वचन को पूरा किया और हम फिर से उसी चाल को पकड़ लें, फिर से हम वैसा ही करें, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, है ना। कुछ लोग अभी भी, हम जब आ रहे थे अभी आ रहे थे, है ना, अगर हम लेट आ रहे तो उसके पीछे एक बिग रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है अगर हम संगति में लेट आ रहे हैं। लेकिन आपके पास तो, है ना, इतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग चाहने हैं हो, तो अगर आपके जीवन में छुटकारा हो, तो उसके लिए परमेश्वर के दास को घंटों परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा, हम तो अपने जीवन के लिए आ रहे हैं ना, अपने छुटकारे के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो दास परमेश्वर ने चुने हैं वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों के लिए मेहनत करते हैं ना। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर परमेश्वर ने वचन दिया है कि हमें परमेश्वर को आदर देना है, जल्दी आना है, टाइम से पहले आना है, क्योंकि आपके आने से पहले परमेश्वर इस जगह क्या मौजूद हो जाते हैं ना। तो हम क्या आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, है ना। तो ये परमेश्वर का आदर नहीं है, तो हमें परमेश्वर का आदर करना है, उसका निरादर नहीं करना है, उसके वचनों को पूरा करना है जो परमेश्वर हमेशा हमें सिखाते हैं, उन वचनों को पूरा करना है। क्योंकि वचन कहता है कि सिर्फ सीखना 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 नहीं, उसको करना भी है। मतलब कटोरे या ऐसे नहीं भर भर के रखने, है ना, सीख सीख के उसको काम में भी लेके आना है। जब तक हम उसको काम में लेके नहीं आएंगे तो हमारे सीखने का भी कोई फायदा नहीं है, हमारा इस जगह टाइम निकाल कर आने का भी फायदा नहीं है। तो हमेशा एक
सीखने वाला मन रखना है कि परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ ना। जब तक हम वचन को पूरा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी देख नहीं सकते, क्योंकि जिसके जीवन में वचन नहीं है, हालात, प्रॉब्लम, गुस्सा है ना, ईर्ष्या, उन्हीं लोगों के जीवन में है। लेकिन अगर आपके जीवन में वर्ड है, आपकी नींव वर्ड के ऊपर, वचन के ऊपर बनी है, कैसे भी हालात, कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं है, वो आपको हिला नहीं सकते, आएंगे लेकिन आपको आपकी जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन होगा। जब वचन अंदर नहीं होगा तो हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी परमेश्वर अपने वचन को दे रहे होते हैं तो एक चौकसी के साथ सुनो है ना, क्योंकि जब तक हम चौकसी नहीं करेंगे वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, और फिर जब हमें हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आएगी, अगर कोई हालात आएगा, तो हम उसमें खड़े नहीं रह पाएंगे। खड़ा वही रह सकता है जो उस वचन पर बना रहेगा। तो हमें वचन पर चलने वाले बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करना चाहता है, हमसे प्रेम करता है, वो भला परमेश्वर है, वो हमें आशीष देखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम उलझन में पड़े रहें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे है ना। वो हमें अच्छा ब्लेस्ड जीवन, हमारे जीवन को देखना चाहता है। इसलिए हमेशा उसके साथ एक अच्छे मन के साथ, एक स्थिर मन के साथ चलो, और वचन को अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि वचन है तो सब कुछ है। अगर अंदर वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो आज्ञाएं जो परमेश्वर के दास के द्वारा या वर्ड के द्वारा आपको मिलती, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा वचन में लिखा है कि अगर हम यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे तो होगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में करके ही नहीं देखेंगे, वचन चाहे जितना मर्जी सुन लो, लेकिन जब तक हम उस पर चलकर नहीं देखेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं दे सकते है ना। 10 वचन सुने हैं, उनमें से 2 पूरे करो। जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो सच में एक दिन परमेश्वर हमें ऐसा बना देगा कि हालात, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना, लेकिन हमें, हमारा विश्वास, हमारा मन अगर वर्ड के अकॉर्डिंग है, तो हालात, परेशानियां, प्रॉब्लम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की हमें प्रेम करता है, वो हमें इन प्रॉब्लम से आज़ाद करने की ताकत रखता है, और वो करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और हमें भी अपने जीवन से उसे प्रेम करके दिखाना है, उसकी हर एक आज्ञा को, जो भी संगति में रूल्स, रेगुलेशंस, सिस्टम होता है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ नहीं, यहाँ बैठना है, तो तुरंत उस चीज़ को, उस टाइम ये नहीं सोचना कि कोई इंसान हमें कह रहा है, उस समय ये याद रखना है कि हम किसकी हजूरी में बैठे हैं, है ना। तो उस चीज़ को उसी समय, उसी टाइम पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर तो नज़र नहीं आता, वो अपने लोगों, अपने चुने हुए बच्चों के द्वारा आपको मैसेज दे सकता है ना। तो हमें उसे पूरा करना है। तो अगर हम किसी पर्सन की, किसी इंसान की बात नहीं मान रहे, तो वचन कहता है कि मैं तो है ना नज़र नहीं आता, तो मेरी बात तुम मुझसे, तुम भय कैसे रखोगे, मेरा डर तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा ना। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि संगति अगर सिस्टमेटिकली रहेगी, सिस्टम में रहेगी, तो सच में देखने में भी अच्छा लगेगा, और हर चीज़ अच्छे तरीके से होगी, है ना। तो इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, कि सच में परमेश्वर आज भी आप सबको आने वाले टाइम में बहुत सारा ब्लेस करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमेन।